सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो इसके पहले हमने 34 चेस्ट साइज के हिसाब से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताया है और इसकी नेक्स्ट वीडियो 38 साइज के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हमने ये अस्तर लिया है, इसे हम डबल फोल्ड में कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे यहाँ से 5.5 इंच। अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो 6.5 इंच लें। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट हमारा 36 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, तो यहाँ से 9 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, नेक की लेंथ लेंगे यहाँ से 10.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, इसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच, तो यहाँ से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम इधर से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और हम 3 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा मार्जिन है। हाफ इंच हम हुक और काज की पट्टी को अटैच करेंगे और हाफ इंच टक्स डालेंगे आर्म होल पर और आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम लेंथ लेंगे, तो तैयार लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो हम यहाँ से 15 इंच लेंगे, फ्रंट के पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच की लेंथ ले ली है। बैक के पार्ट में हमने 14 इंच लिया था, फ्रंट के पार्ट में हमने 15 इंच लिया है। नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच और इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद राउंड शेप लगा देंगे। अब बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो कमर है हमारी 7.5 इंच और इसमें 3 इंच का मार्जिन लेंगे, इस तरीके से इसे मिला देंगे और आगे की तरफ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और पीछे की तरफ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इन दोनों निशान को बेल्ट का शेप देते हुए इस तरीके से मिला देंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग हो चुकी है, इसे कट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस बचे हुए अस्तर में से हम स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो हमें जितनी स्लीव्स की लेंथ चाहिए उससे 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ में और यहाँ से हमें स्लीव्स का चेस्ट का फोर्थ पार्ट चाहिए, तो यहाँ से हम 9 इंच लेंगे। इस तरीके से हमें 2 पीस निकालने हैं। स्लीव्स के लिए हमने इतना कपड़ा लिया है, इसे इस तरीके से डबल फोल्ड में करेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ 9 इंच है और यहाँ से ये कपड़ा हमारा 4.5 इंच है, तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 3.5 इंच रहेगी। स्लीव्स बॉटम लेंगे 6 इंच, 2 इंच लेंगे मार्जिन और यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरीके से गोलाई लगाएंगे।
तरीके से शेप देने के बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमारी सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, इसे मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।